दिल्ली वॉल पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के राजीव कॉलोनी और पंशी में विकास के कामों का श्री गणेश किया है दोनों स्थानों पर 5-5 लाख रुपए मैंने स्वीकृत किए थे जिसकी आज श्री गणेश होकर के मुझे आगामी महीने भर के अंदर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पंचशील के अंदर नालियों की समस्या बड़े चरम सीमा पे थी, लोग बार बार इससे परेशान थे, फिर उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और यहाँ के पार्षद प्रकाश जी मेहरा के आग्रह पर और जनता के आग्रह पर यहाँ पे 5 लाख की नालियाँ विभिन्न स्थानों पर बनेंगी जिसके आधार पर यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। इसी तरह राजीव कॉलोनी के अंदर वहाँ की सड़क नाली और कुछ पहाड़ी पर रहने वालों की कुछ सीढ़ियाँ उसके निर्माण का श्री गणेश किया है और वहाँ के लोग भी काफ़ी परेशान थे। जब बरसात के जब पानी आता था तो सीढ़ियाँ न होने के कारण वो लोग निकल नहीं पाते थे और नालियाँ फुल हो जाती थी और सड़क इतनी टूट गई थी कि लोगों का चलना दूभर हो गया था। ऐसे समय उन लोगों के लिए भी 5 लाख स्वीकृत करके आज उसका भी श्री गणेश किया है। मुझे लगता है कि विकास के काम तुरंत चलते रहेंगे, लेकिन हमारी जो सरकार है वर्तमान कांग्रेस सरकार, इन्होंने इस पर भी कैंची चला दी कि हमारे 2 साल का जो विकास विधायक का कोष है उसको भी उन्होंने जब्त कर लिया, जिस कारण से निश्चित से जनता परेशान रहेगी। लेकिन सरकार विकास के काम चाहती नहीं और हम लोग अपने कोष से करा रहे थे, उस कराने में भी उन्होंने कैंची लगाई है, जिसे मैं सरकार से भी मांग करूँगा कि वह राशि हमको वापस दे ताकि हम जनता के विकास के काम करवा सकें। आज वार्ड के अंदर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी द्वारा दिया गया फंड, उसके तहत वार्ड के अंदर जो हमारे हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है जहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के अफसर लगभग कोई भी नदारक रहते हैं, किसी तरह का फंड नहीं दिया जाता है। बड़े मुश्किल यहाँ पर भाई साहब की कोशिश से 5 लाख रुपये लेके आए हैं और जहाँ पर भी नालियों की ज़रूरत है हाउसिंग बोर्ड के इलाके अंदर उसके अंदर नालियाँ बनाई जाएगी। हाउसिंग बोर्ड में पूर्व में भी माननीय वासुदेव जी देवनानी जी के फंड से ही काम हुआ था, पूर्व में भी इन्होंने रसोई बनवाई थी और अब भी पुणे ही आज की तारीख में भी माननीय हमारे विधायक महोदय के फंड से ही सभी नालियों का यह निर्माण होगा। जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त है उन नालियों को हम वापस दुरुस्त करेंगे और जहाँ नई नालियाँ बनने की ज़रूरत है वहाँ पर भी बनाई जाएगी। इसका उद्घाटन माननीय देवनानी जी भाई साहब ने आज यहाँ पर आके किया है। पार्षद प्रकाश मेहरा। पास नहीं कराई मांगा दूसरों का नहीं हो।